हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सर। तो आज एक आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, झारखंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आज आ गया है। तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेके आपके लिए लाए हैं। तो झारखंड इंट्रेंस एग्जाम जो होता है, सबसे पहले कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो बच्चे जो 10th पास हैं वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और अभी जो 10th का एग्जाम दे रहे हैं वो भी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो बच्चे 10th का एग्जाम अभी दे रहे हैं वो भी बच्चे फिल कर सकते हैं, और जो 10th पास हो चुके हैं वो भी बच्चे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आवेदन ऑनलाइन की प्रक्रिया कब आरंभ होगी, ये आरंभ हो रही है 27 फरवरी से। कब से? 27 फरवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड, ये अंतिम डेट कब है इसका? इसका अंतिम डेट 10 अप्रैल को है। क्या बेटा? 10 अप्रैल को आपका अंतिम डेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम एग्जाम कब होने वाला है? एग्जाम होने वाला है आपका 30 अप्रैल को। कब एग्जाम होने वाला है? 30 अप्रैल को। तो आप देखो, आपके पास क्या है, 2 मंथ है। आपके पास क्या है? 2 मंथ का टाइम है प्रिपरेशन के लिए। अब देखो, 2 मंथ में आप कैसे तैयारी कर सकते हो? आपके पास 2 मंथ बचा है, 2 मंथ में कैसे तैयारी कर सकते हैं? इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप क्या कीजिए बच्चे, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। आप क्या कीजिए, किसी के गाइडेंस ले लीजिए। तो इसी के लिए हम एक्सिस इंस्टीट्यूट रांची आपके लिए 2 मंथ का कोर्स लॉन्च कर रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। 2 मंथ का कोर्स लॉन्च कर रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसमें पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। जिसमें क्या? पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें, फॉर्म कब फिल होना स्टार्ट हो रहा है, 27 फरवरी को लास्ट डेट क्या है, 10th अप्रैल को एग्जाम का डेट कब है, 30 अप्रैल को एग्जाम का डेट है। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। आगे क्या है इंफॉर्मेशन, देखो आगे आपका इंफॉर्मेशन क्या है, यहां से देखा जाए तो हाँ, फी जनरल के लिए कितनी फी है? जनरल के लिए आपकी जो फी है वो 650 रुपए। जनरल के लिए कितनी फीस है? 650 रुपए। ठीक है, SC ST लिए और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो फी है वो कितना रखा गया है? 325 रुपए रखा गया है। ठीक है, और परीक्षा का जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। परीक्षा का सेंटर कहाँ पर कहाँ पे है? रांची में हजारीबाग धनबाद, और कहाँ कहाँ है आपका? चाईबासा, बोकारो, दुमका, पलामू, ये जगह आपका क्या है, सेंटर है, जहां आप सेंटर जाके एग्जाम दे सकते हो। आगे बात करूं एग्जाम पैटर्न की। आगे क्या एग्जाम पैटर्न की, किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले एक देखते हैं कि आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है। तो फॉर्म भरते समय आपको क्या चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। क्या चाहिए? एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और वो पासपोर्ट साइज फोटो कैसा होना चाहिए, जिसमें चेहरे के साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो, ये पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको। दूसरा, स्कैन किया हुआ माध्यमिक 10th की मार्कशीट चाहिए। अब देखो, जो बच्चे 10th पास हैं वो क्या करेंगे, 10th की मार्कशीट देंगे। जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं उनके पास तो 10th का मार्कशीट है नहीं, तो वो 9th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, या जो आपका 10th का जो प्री बोर्ड का रिजल्ट आया है उसका आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हो। उसके बाद क्या चाहिए आपको? साइन चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और बाएं हाथ का अंगूठे का निशान। ये चार चीजें आपको देना है एग्जाम के लिए। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न
एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में देखो कितने क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कितने होंगे, तो क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। और इस 150 क्वेश्चन के लिए टाइम आपको कितना दिया जाएगा, टाइम है 2 घंटे 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। कितना, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहला बात आप क्या समझे कि 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स। 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। कहने का मतलब 150 क्वेश्चन है, एक मास का सारा रहेगा, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 150 मार्क्स का होने वाला है। क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है? जी हाँ, देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1/4, कहने का मतलब 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा। 0.25 मार्क्स आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, निगेटिव हमें नहीं करना है, हमें एक्यूरेसी के साथ एग्जाम देना है। तो ये पैटर्न हुआ जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों पूछे जाएंगे, 50-50 क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस। यहाँ पे देखो फिजिक्स, का सिलेबस गिवन है, ठीक है, केमिस्ट्री का सिलेबस गिवन है और मैथ का सिलेबस गिवन है। ये तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस आपके गिवन है। अब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इसमें अगर एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं आपको कि आपने टेंथ में, यहां पे कुछ चीजें पढ़ रखी है। टेंथ में आपने कुछ चीजें, आपने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें जो टेंथ में पढ़ना नहीं है, इसके लिए आपको गाइडेंस की नीड होगी। तो आप बेटा क्या कीजिए, जितना जल्दी हो सके एक्सिस इंस्टीट्यूट, रांची में ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेज हमारे लॉन्च हो चुके हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइन कीजिए। अगर आप एक्सेस इंस्टीट्यूट ज्वाइन क्यों करना चाहिए आपको, तो सबसे पहला देखिए इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों के हमारे पास अलग अलग स्पेशलिस्ट फैकल्टी हैं, जिनके पास 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ जो मैथ पढ़ाते हैं सर, उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो हमारे यहाँ सर पढ़ाते हैं मैथ, उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपको तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों के लिए आपको यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अच्छी रैंक ला सकते हो। और अच्छी रैंक लाने के बाद आपको टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा और आप वहां से अपने ड्रीम जूनियर इंजीनियर का कोर्स आसानी से, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, एक्सिस इंस्टीट्यूट रांची में जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ चलिए फिर,